विश्व प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर में लड्डू के घी में मिलावट को लेकर आंध्र प्रदेश सरकार ने देवस्थानम के कार्यकारी अधिकारी से घी विवाद पर पूरी रिपोर्ट मांगी है। देवस्थानम के कार्यकारी अधिकारी ने मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात भी की है। आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से कहा गया है कि रिपोर्ट आने के बाद धार्मिक परिषद के नेताओं से सलाह ली जाएगी और इसके बाद मंदिर परिसर के शुद्धिकरण को लेकर फैसला होगा। साथ ही देवस्थानम बोर्ड ने इस मामले को लेकर आपात बैठक बुलाई है। फूल पकड़ रहा है, अडल्ट्रेशन हुआ है बोल के एनडीटी भी ये बोला है, रिपोर्ट क्लियर है, तो डिनाय करने के लिए क्या है, ये एलिगेशन नहीं है, ये फैक्ट से फैक्ट लेके चंद्रबाबू नायडू साहब ने बात किया, वो अनाउंसमेंट करा, सब एक्शन थोड़ी लेंगे ना सर। केंद्र सरकार से भी बात चल रही है कि सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड की है गिरिराज सिंह ने, उसके ऊपर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर स्टेटमेंट भी करेगा, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, बट केवल एक सीबीआई इंक्वायरी से हम ये इशू नहीं छोड़ेंगे, थ्री और तीन स्टेप्स लेने का है और इसको फुल स्टॉप रखना है। सीबीआई इंक्वायरी से जो हुआ है, क्यों हुआ है, किसने किया है, वो पता चलेगा, बट जो आने का है, आने दिन का है ना, फिर ये नहीं होने का है, तो उसके लिए क्या करना है, स्ट्रक्चरल चेंजेस जो करना है उसके ऊपर भी एक टीम रखना है कि मुख्यमंत्री का सोच है, वो पॉलिसी उन्होंने अनाउंस करेगा। सर, इतनी बड़ी घटना से एक एक बात तो हुई है कि करोड़ों लोगों की श्रद्धा को ठेस पहुंची, तो क्या कहेंगे? सी, यही होता है कि अगर मुख्यमंत्री का विजन नहीं है, क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है, ऐसे दिक्कत होता है, क्योंकि जगनमोहन रेड्डी के पहले कई मुख्यमंत्री आए थे, कोई भी तिरुमला के पास नहीं गया, ऐसी चीज नहीं किया, बहुत दुखद मेरे को भी आता है। तो तिरुपति के प्रसाद मिलावटी घी के टेंडर को लेकर भी विवाद शुरू हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक टेंडर के शर्तों का पालन नहीं किया गया है। तिरुपति देवस्थानम में बालाजी को चढ़ाने वाले प्रसादम में मिलावट को लेकर सवालों की फहरिस्त भी बढ़ रही है और लापरवाहियों पर बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। सवाल उठ रहे थे कि अगर घी की सप्लाई में गड़बड़ी थी तो क्या इसकी जांच की कोई व्यवस्था नहीं थी? आज तक को मिली घी के टेंडर की कॉपी से इस मामले में बड़ी लापरवाही के संकेत मिले हैं। सबसे पहले देखते हैं देवस्थानम में टेंडर के लिए क्या नियम है। नियम संख्या 80 के मुताबिक घी के हर खेप के लिए NABL यानी नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज का सर्टिफिकेट देना जरूरी है। नियम संख्या 81 में लिखा है कि देवस्थानम के लिए अनिवार्य है कि वो घी के सैंपल जांच के लिए भेजे। सवाल यही है कि क्या अगस्त 2023 से जुलाई 2024 के बीच घी के सैंपल जांच के लिए नहीं भेजे गए? क्या उस दौरान आई घी की खेप के लिए NABL के सर्टिफिकेट की जाँच नहीं की गयी थी? आंध्र प्रदेश सरकार ने देवस्थानम से घी के टेंडर और प्रसादम को लेकर पूरी रिपोर्ट मांगी है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि रिपोर्ट मिलने के बाद धार्मिक परिषद के नेताओं से इस बारे में सलाह ली जाएगी कि क्या मंदिर परिसर का शुद्धिकरण किया जाना जरूरी है। इस बीच तिरुपति में बालाजी के दर्शन के लिए भक्तों की चहल पहल पहले जैसी है, लोगों को अब भी प्रसादम पर वैसे ही श्रद्धा है। कुछ रिपोर्ट्स जो दिखाए जा रहे वो रिपोर्ट्स को कोई मानेगा नहीं, क्योंकि ये तिरुपति भगवान तिरुपति बालाजी का देवस्थान है, यहाँ पर कोई भी गलत काम करेगा ऐसा हो नहीं सकता, और लड्डू में कुछ मिलावट होगी ऐसा 101% हमें नहीं लगता है। जो ये अफवाहें उड़ाई जा रही है, ये सिर्फ अफवाहें हैं, ये रियलिटी नहीं है। हम तो थैलियां भर भर के लड्डू लाए हैं, भले आप देख सकते हैं, देखिए हम कितने सारे लड्डू, हम तो और लेने के लिए थे आए थे, पर ठीक है, सबको बांटेंगे, वहां जाके सबको प्रसाद का वितरण करेंगे। प्रसादम में मिलावटी घी के विवाद को लेकर तमिलनाडु के डिंडीगुल में AR डेयरी फूड को नोटिस जारी किया गया है। मिलावटी घी की रिपोर्ट आने के बाद AR डेयरी फूड का कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो चुका है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने एक बार फिर कर्नाटक मिल्क फेडरेशन के नंदिनी ब्रांड को घी की सप्लाई का ठेका दे दिया है। तिरुपति से अपूर्वा जयचंद्रन के साथ अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक। सीएम चंद्रबाबू नायडू और डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने इस विवाद में पहले की जगन सरकार को निशाने पर लिया है। राष्ट्रीय विज्ञप्ति
एनटी रामाराव गार अन्नदान प्रवेश पेट्टार तिरुमल पैन दाने नासिरकम भोजन पेटे परिस्थितिकि वच्चारु इटीवल कालंलो दाने पै अनेक कंप्लेंट कडान प्रसाद पै कंप्लेंट परिस्थितिकि वच्चिंदि इवन्नी नाण्यमैनटुवंटि अक्कड एवैते मन దానికి కావాల్సినటువంటి ముడి సరుకులన్నీ కూడా నాసిరకం వాడడం, అదే కాకుండా పవిత్రమైన దేవాలయాల్లో కూడా అపవిత్రమైన ముడి సరుకులు వాడడం, ఇలాంటివన్నీ చేసి కంపు చేశారు. లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ ఎ క్వైట్ కయాటిక్ డిస్టర్బింగ్ అండ్ వీ యూస్ టు గెట్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ న్యూస్. So once our government took place, I think the constant complaint was there is the quality of prasad is very, very bad. No, we didn't understand in the beginning. I said, where it could go wrong? So for last 1 month, because the moment if you look at it, so they have a supplies of months ahead supplies. So the ghee and whatever material they have procured, they'll buy it in bulk and they'll have a supply. So the consistent supplier was from Karnataka. So they made under the blame, they said, okay, this supplier is not good, we are changing it. और वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी क्या कह रहे हैं, उनका पक्ष भी सुनिए. मुख्यमंत्री का उन्न व्यक्ति ये मातिरी का अपद्धाल आड़ं धर्म में ना कोनी कोट्ल मंदी वेंकटेश्वर स्वामी भक्तुलु देशव्याप्तंगा कादु प्रपंचव्याप्तंगा उन्नारु. వారందరి మనోభావాలను తో ఆడుకోవడం ధర్మమేనా? తో దేవస్థానం కి ప్రసాద్ మే జానవరో కి చర్బీ వాలా తేల్ మిలాయే జానే పర్ సియాసీ బయన్బాజీ జోరో పర్ హై. సునాతే హై ఆపకో కిస్నే క్యా కహా కిస్. అగర్ ఐసే హర్ జగే ధోకా దడీ చల్తీ హై తో యే అచ్చీ బాత్ నహీ హై. భక్తో కో భీ అచ్చీ బాత్ నహీ హై క్యోంకి హర్ లోగ్ శ్రద్ధా సే జాతే హై. अगर श्रद्धा से जाने वालों को ऐसी चीजें अगर उससे मिलावट करके देते हैं तो ऐसे लोगों को शिक्षा होना चाहिए. पीड़ादायक है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. तिरुपति बालाजी भगवान विष्णु के स्वरूप, पूरा देश क्या पूरी दुनिया की श्रद्धा, सनातन के प्रतीक और उनके लोकप्रिय लड्डू में अगर इस तरह की मिलावट की चर्बी की चर्चा भी हो, ये शर्म की बात है, ये डूब मरने की बात है. वहां के मुख्यमंत्री ने इस विषय को उठाया है. मैं उम्मीद करूंगा इस पूरे मामले की जांच होगी और दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी. इस तरह के जो कुकर्म किए गए उसके लिए सीरियस एक्शन देखना चाहते हैं. एक कॉम्प्रहेंसिव इंक्वायरी को कंडक्ट करके जो भी इसके लिए जिम्मेदार है, जो भी हिंदू विश्वासों के साथ खिलवाड़ किया है, ऐसे लोगों के प्रति, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें. ये हमारी आग्रह है. ऐसे हिंदू बाहुल्य राज्य देश में इतने बड़े खुलासे को इसके बारे में कोई प्रतिक्रिया जारी नहीं करना हम मानते हैं कांग्रेस का बड़ा पाप है. जगन सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की समर्थन में खड़ी रहती थी. नायडू साहब भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं. कोई भी जिम्मेदार हो, हम चाहते हैं कि उनके नाम सार्वजनिक हों और उनको तुरंत फास्ट ट्रैक पे उनकी जांच हो और सजा मिले. इससे कम से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसा जैसा मैंने आपको कहा, पूरे विश्व में करोड़ों हिंदुओं के मन में एक गुस्सा है, क्योंकि भगवान तिरुपति की आस्था पूरे विश्व में है, ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत भर में है.